मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष एनपी प्रजापति हमारे साथ में है। सर, 52 साल बाद चुनाव की नौबत आई, ये लग रहा था कि बहुमत अगर आपके पास में तो कम से कम ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। विपक्ष ने वॉकआउट भी किया, तो इस संसदीय परंपरा जो पुरानी थी, क्या लगता है कि सदन के अंदर जांच हुआ कितना ठीक था? देखिए, लोकतंत्र में लोकतंत्र पर विश्वास रखना चाहिए, परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहिए, यही सदन की परंपराएं हैं। अब ऐसा क्यों, इसका क्या संदेश जाएगा, ये मैं क्या कहूँ, जो कर रहे हैं उनसे पूछिए। 120 यानी कि सर, ये जताने में कांग्रेस पूरी तरह कामयाब रही है कि जो समर्थन है सरकार का वो पूरी तरह मिला है। अस्थिर सरकार बताने की कोशिश थी बीजेपी की, स्थिर सरकार है, ये मैसेज कम से कम आज वोटिंग के बाद गया? निश्चित तौर पर इस प्रश्न के बारे में आप मेरे से बेहतर माननीय मुख्यमंत्री जी से जवाब मांगेंगे तो आपको सटीक और अनुभवी जवाब मिलेगा। अब विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे सर, आगे क्या मन में सोच के रखा है? विधानसभा की कार्रवाई भी चल रही है, अभी 2 दिन का राज्यपाल का अभिभाषण भी है और तमाम प्रोसेस आगे भी 5 साल तक सदन को चलना है, तो मन में क्या सर सोच के रखा है कि विधानसभा की जो पुरानी परंपरा है उनमें कुछ चेंजेस या फिर कुछ विजन लेकर चल रहे हैं सर? देखिए, जब नई सुबह होती है तो नई चहचहाट और प्रकृति नया अपना सौंदर्य लेके आती है। निश्चित तौर पर जब प्रकृति ये बोलती है तो हम तो उसी के बनाए हुए मानव हैं, तो हमारा भी वो सोच होगा। विजन सर मतलब होगा, पर चुनौतियां भी काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि 109 का विपक्ष फिर संभालना, आज जो हंगामा हुआ, ये चुनौतियां बनी रहेंगी। देखिए, सदन में आप कितने वर्ष से आ रहे हैं? मैं तो 85 से आ रहा हूँ, तो मैं तो देखते आ रहा हूँ, अनुभव है ये, और वो अनुभव कहीं ना कहीं मुझे काम आएगा और उसको देखते हुए चलेंगे। उपाध्यक्ष को लेकर सर, चूंकि अब अध्यक्ष आप बन गए हैं, निर्णय आपको लेना कि किस पार्टी दल से बुलाया जाए, तो क्या उपाध्यक्ष को लेकर मन में कोई, इसके बारे में विचार कर रहा हूँ अभी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति। सीधे तौर पर क्रिकेट की तर्ज पर बल्लेबाजी करेंगे, जैसा कि अच्छा बैट्समैन करता है ये भरोसा उन्होंने जताया, पर लेकिन चुनौतियां निश्चित तौर पर कहने के सामने जरूर बनी रहेंगी। कैमरामैन विनीत के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल।